नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाजीवनी डायरी में। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर रविवार को कलश स्थापना के साथ होगा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो हम सबके लिए शुभ फलदायी होगा। इस साल की शारदीय नवरात्रि को आप अपने लिए और भी ज़्यादा शुभ बना सकते हैं। इसके लिए आपको नवरात्रि को कलश स्थापना से पूर्व या पहले दिन माँ दुर्गा से संबंधित लकी वस्तुओं को खरीद कर घर लाना चाहिए। इससे आपके घर माँ दुर्गा का आगमन होगा और आपके दुखों का अंत हो जाएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। आइए जानते हैं कौन सी वो 9 चीज़ें हैं जो आपको अपने घर ज़रूर लानी चाहिए। सब चीज़ें ना ला सके तो कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर आ जाएं जो संभव हो सके। सबसे पहली चीज़ है दुर्गा मूर्ति। इस नवरात्रि आप अपने पूजा घर के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ भगवती की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा के आगमन से आपके जीवन सुखमय हो जाएगा और इस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। छोटी सी मूर्ति जैसे पत्थर की भी आती है, मार्बल और धातु की भी मूर्ति आती है, तो जैसा आपको लगे वैसी छोटी सी मूर्ति ला सकें अगर तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो है वो है माँ दुर्गा के पद चिन्ह। माँ दुर्गा के चरण जिस घर में पड़ जाए वह घर धन्य हो जाएगा और वहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी। शारदीय नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। बहुत से लोग देवी के पद चिन्ह को फर्श पर लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं। तो पदचिन्ह को आप अपने पूजा स्थल जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर ला करके रखना चाहिए, जिससे आप उनकी पूजा कर सकें। और तीसरी जो चीज़ होती है वो है माँ भगवती का बीसा यंत्र। आप धन और संपत्ति में वृद्धि के लिए नवरात्रि में माँ भगवती के बीसा यंत्र को घर लाएं। इसमें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी का वास होता है। यह यंत्र आपकी बंद किस्मत को भी खोल सकता है। तो बीसा यंत्र पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाता है, हो सके तो वो भी आप ज़रूर लेकर आएँ। ये हो गया तीसरा सामान। चौथी चीज़ जो है वो लाना चाहिए आपको, वो है कलश। नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि पर अपने घर कलश लेकर आएं। कलश शुभता का प्रतीक होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी का, पीतल का, चांदी, सोना, इसमें से किसी से भी बना कलश लेकर के आ सकते हैं और इसकी स्थापना कर सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है तो। ऐसा अगर आपके घर में पहले से ही पीतल का या तांबे का रखा हुआ है कलश और आप नहीं चाहते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कंपलसरी, लेकिन लाना चाहिए आपको एक कलश, चाहे मिट्टी का लेकर के आए। नवरात्रि में स्थापना करने के बाद उसको फिर विसर्जित कर दिया करिए। अब पाँचवीं चीज़ जो होती है वो है पताका, माता का ध्वज जो होता है पताका। तो इस नवरात्रि आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने घर माता रानी का ध्वज लगाएं और शुभ मुहूर्त में उसे अपने घर की छत पर लगा दीजिए। जब आप कलश स्थापना करते हैं उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आप उसे अपने घर की छत पर लगा दें और पूरे 9 दिन क्या उसके बाद भी वो लगा रह सकता है, उसके विसर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। ये शुभता का प्रतीक होता है। छठी जो चीज़ होती है वो है लाल चंदन की माला। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करने के लिए लाल चंदन की माला उत्तम होती है और यह शुभ भी होता है। तो शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, क्योंकि जनरली लोगों के घर तुलसी की माला मिल जाती है, रुद्राक्ष की माला होती है और भी चीज़ होती है। लाल चंदन की माला से अगर माता के मंत्रों का जप करें तो अधिक फलदायी होता है। इसलिए कोशिश करें कि लाल चंदन की माला भी आप ले आएँ, पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाती है। उसके बाद अगली जो सातवीं चीज़ है वो है लाल, पीली या गुलाबी चुनरी, ऑरेंज कलर की साड़ी, इस तरह की चीज़ें। नवरात्रि में पूजा के समय माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चुनरी या साड़ी चढ़ाई जाती है। इस बार आप नवरात्रि पर लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी कलर की चुनरी जो है या साड़ी खरीद सकते हैं और वह माँ दुर्गा को अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आप जैसे बहुत से लोग साड़ी भी लेते हैं लेकिन उड़ाने के लिए माता को फोटो पर, मूर्ति पर तो चुनरी ही चाहिए होती है। साड़ी आप अलग से चढ़ा सकते हैं जो सुहाग की सामग्री के साथ, उसको बाद में किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन चुनरी इन रंगों की जो मुख्य होती है इनकी चुनरी आपको लेनी चाहिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। 7 चीज़ें अभी तक आपकी हो गई हैं। अब आते हैं 8वीं चीज़ पर, ये है त्रिशूल। माँ दुर्गा के अस्त्रों में त्रिशूल प्रमुख है।
और यह भगवान शिव का भी प्रिय अस्त्र है। इस नवरात्रि माता रानी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। यह शक्ति का प्रतीक होता है, तो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, छोटे छोटे से त्रिशूल आते हैं पूजा की दुकान पे मिलते हैं, जो प्रतीक होते हैं माता के अस्त्र के रूप में शक्ति का। तो आप हो सके तो एक छोटा सा त्रिशूल भी लेकर के आ जाइएगा, वो अच्छा माना जाता है। नवी चीज़ जो होती है वो है सिंदूर। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है और माता पार्वती को अखंड सौभाग्य प्राप्त है। इस नवरात्रि आप अपने घर सिंदूर खरीद कर लाएं, खासकर सुहागन महिलाएं। आप लाल या पीला सिंदूर ला सकते हैं, जो कि जैसा भी आप लगाएं। हालांकि पार्वती माता को जो पीला वाला ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो प्रिय होता है, और पूजा पाठ में वही सिंदूर चढ़ता है, लाल वाला नहीं चढ़ता है। तो हो सके अगर आपको मिले तो आप वो पीला वाला सिंदूर लेकर के आइएगा जो चढ़ता है, ना कि लाल वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हैं वो 9 चीज़ें जो आप नवरात्रि पर आप पहले नवरात्रि से पहले भी ला सकते हैं, या नवरात्रि के पहले दिन आप अपने घर लेकर के ज़रूर आएँ। पूरे नवरात्रि में कभी भी आप ला सकते हैं इन चीज़ों को, जो कि शुभता का प्रतीक होता है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, साथ ही साथ दुर्गा माता का शक्ति भी वास होती है, और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है इन चीज़। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।